डॉक्टर जाकिर नाइक कोट टाई वाले अंग्रेजी बाबू, अब उसके खिलाफ क्या बोलता है सुनिए, दाल रोटी का चक्कर है तो सुनिए क्या बोलता है। डॉक्टर जाकिर नायक साहब कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला को विष्णु और विधाता कहने में कोई हर्ज महसूस नहीं होता, क्योंकि लोग अल्लाह को खुदा भी कहकर पुकारते हैं, तो इससे कोई बुराई नहीं है। बराह करम हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या ये दुरुस्त है? अब यही अकल परस्ती है, इसी को कहते हैं अकल परस्ती। अब यही अकल परस्ती है, इसी को कहते हैं अकल परस्ती। आदमी के पास जिस चीज का इल्म हो उस आदमी को वही बात बोलनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया, ला तक्फु मा लैस लका बिही इल्म, जिस बात का तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। तुम्हारा जो दायरे कार है उस दायरे में रहो। एक किसान का दायरे कार खेती है, खेती के बारे में वो बताए। एक मजदूर का काम मजदूरी हो, वो मजदूरी के बारे में बताए। एक डॉक्टर का काम इंजीनियर नहीं कर सकता ना, एक इंजीनियर का काम डॉक्टर कर सकता है कि नहीं? डॉक्टर का काम इंजेक्शन लगाना और जिस्म को देखना और बुखार और सर्दी जुकाम और दीगर अमराज की तशखीस करना है और उसका इलाज करना है। लेकिन उसे आप पेपर और कलम दे दो, कह दो हमारी इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दो, बेचारे को क्या मालूम। तो अर्ज करने का मतलब यह है, जो जैसा होता है उससे उस तरह के सवालात, और उसको चाहिए कि उसी अंदाज का वो जवाब जिसकी जो फील्ड है। डॉक्टर साकिर नाइक एक मशहूर मुबल्लिग है, वो जो है क्या कहते हैं मुनाजराती अंदाज में वो क्या कहते हैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में डिबेट करते हैं, मुनाजराती तौर पर पेश करते हैं। ठीक है, अच्छी बातें करना चाहिए। हिंदू और इस्लाम, हिंदू धर्म और इस्लाम का तो खैर कोई बराबरी है ही नहीं। कोई ये कहे कि हिंदू और इस्लाम या हिंदू धर्म और इस्लाम, तो मैं कहता हूं ये सबसे बड़ा अहमक है। क्यों? इसलिए कि ये हिंदू धर्म आसमानी किताब है ही नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जिसकी जो फील्ड है उस फील्ड में उसको काम करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक एक तबीब थे, डॉक्टर थे, इंजेक्शन उक्शन लगाने वाले डॉक्टर, वो डिग्री होल्डर, डॉक्टरेट नहीं, जो पीएचडी होते वो नहीं है। उनको चाहिए था बेचारे, वो उधर अपना तबीबी उबीबी करते और अंग्रेजी जुबान में माहिर थे। पता नहीं दुकान चली कि नहीं चली, सोचे यार इधर से नहीं तो इधर ही मार लो, मौलवियों का बड़ा चल रहा है मसला माशाल्लाह तबारकअल्लाह। उनको चाहिए था बेचारे, वो उधर अपना तबीबी उबीबी करते और अंग्रेजी जुबान में माहिर थे। पता नहीं दुकान चली कि नहीं चली, सोचे यार इधर से नहीं तो इधर ही मार लो, मौलवियों का बड़ा चल रहा है मसला माशाल्लाह तबारकअल्लाह। खलास पलटी मारी उन्होंने और आ गए इस फील्ड में। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम डॉक्टर जाकिर नाइक, वेलकम टू तबलीग इस्लाम, इंशाल्लाह मैं भी मुश्किल, कोई हर्ज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त किया है। आप भी कोई मुसीबत अल्लाह तुम हिदायत दे और अल्लाह ताला उनके शर और फितने से और हमारे भी शर और फितने से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त किया है। आप भी कोई मुसीबत अल्लाह तुम हिदायत दे और अल्लाह ताला उनके शर और फितने से और हमारे भी शर और फितने से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे। फील्ड फील्ड की बात है। एक मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब से हमारी पाकोर कॉन्फ्रेंस में, मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर साहब आपकी जो फील्ड है माशाल्लाह तबारकअल्लाह उस फील्ड में काम करो, खामखा इधर इधर बढ़ने की क्यों मत कोशिश करो, उलमा की फील्ड है ये तमाम सब मसाइल और फतावे, आप फतवे होते मत दो ना फतवे की। मैंने उनको नसीहत की थी डॉक्टर जाकिर नाइक को, शायद उन्हें ये शायद सुन लिए। डॉक्टर साहब फील्ड विल्ड चली नहीं, डॉक्टर जाकिर नाइक ये ओरिजिनलिटी बता रहा है, घर का भेदी है लंका ढा रहा है, यस घर का भेदी है लंका ढा रहा है, तो ये बता रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकान वकान चली नहीं। अब सुननी तो जाते ही नहीं थे, कौन खबीज के पास जाए अपना इलाज कराने। ये खुद साला कमबख्त बीमार है, बदअकीदगी का, मुनाफिकत का, तो ये क्या दूसरों का इलाज करेगा। तो बहरहाल डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में मौलाना महराज रब्बानी ने क्या तबसरा किया आपने सुन लिया कि साहब उनकी फील्ड नहीं है, उन्होंने जाना नहीं चाहिए और ऐसा और वैसा जो जो। लेकिन जैसे ही बॉम्बे वालों ने डंडू बरसाए और जैसे यहां से उनको पड़ी, अब वो गए सऊदीया। अब उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में वो क्या बोलते थे आप सुने। फिर हमें ये भी इत्तला मिली कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने की तरफ से कुछ पेशरफ्त की गई और उन्होंने इस बात का की ख्वाहिश जाहिर करी कि आपके इस कदीर में वो किसी तरह का ताउन या आगे बढ़कर आपके साथ शरीक हो, इसकी क्या हकीकत है? बोला मुझे भी बॉम्बे में रहते हुए हमारे कुछ इख्वान ने यह बात बतलाई थी कि डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने शुरू शुरू में ये बताया था अपने वकील से कि भाई मेराज रब्बानी को कुछ नहीं होना चाहिए और कैसा ऐसा मतलब यह है कि कैसे भी इस केस को डील करना पड़ेगा, कुछ पैसे भी देने की जरूरत पड़ेगी तो कोई मसला नहीं, जो भी खर्च होगा
मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूँ, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी हो, ये मैंने सुना था, किसी ने बतलाया था। बहरहाल अगर, लेकिन बहरहाल उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके बाद तो हमारे पास ना कोई वकील आया ना कोई इस तरह की बात आई। ये बात मैंने सुनी और मैंने शुक्र अदा किया उनका भी, बल्कि दोस्तों के सामने भी, डॉक्टर साहब ने अगर ये बात कही है तो ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़प्पन है, वो हमारे बड़े भाई हैं, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बड़प्पन है, वो हमारे बड़े भाई हैं और वो एक दीन का काम कर रहे हैं, वो इस दर्द को समझते हैं, वो भी इन मसाइल से जूझते हैं, उनके ऊपर भी बेचारे गुमत लगा रहे जितने केसेस डाले, पर आप जान दिए बरतानिया के अंदर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और वो पाकिस्तान के अंदर भी उनके ऊपर तकरीरों के ऊपर पाबंदी, तो वो बेचारे वो समझते हैं कि ये माहौल और ये हालात कैसे हैं। तो इसमें उन्होंने अगर ये पेशकश करी है और कही है तो अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, और मैं बहरहाल उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हर शख्स से बचाए और उन्हें और दीन की दावत और दीन की तबलीग करने की तौफीक अता फरमाए। और बल्कि किसी, बल्कि ये बात भी आई कि किसी ने उनसे ये भी कहा कि साहब उन्होंने तो आपके खिलाफ, हालांकि मैंने उनके खिलाफ कोई बात नहीं कही, एक अकीदे की बात थी, उस अकीदे की तरदीद में मैंने कोई बात कही थी, बहरहाल वो एक चीज आई गई, तो उन्होंने, किसी ने कहा भी उन्होंने आपके खिलाफ तो ये ऐसी बातें करी है, तो मैंने ये भी सुना कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि भाई ये इल्मी इख्तलाफ है और इल्मी इख्तलाफ पर दौर में उलमा में रहा है, ये कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये अलग मसला है, लेकिन ये जिस मुसीबत में आज वो पड़े हैं वो एक अलग मसला। तो देखिए ये घोंहार गिरवा के चिगने चिगने बात, बड़े जहनियत और बड़ी फिक्र है, तो उन्होंने ये बात कही, इसके लिए भी बहरहाल मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि इतना वसीउल कल्बी और इतनी वसीउल ज़र्फ़ी उनके अंदर मौजूद है और इल्मी इख्तलाफ को इल्मी हद तक रखा जाए और दीगर इख्तलाफात को, दीगर मसाइल को, दीगर मसलबात और इल्मी इख्तलाफ को इल्मी हद तक रखा जाए और दीगर इख्तलाफात को, दीगर मसाइल को, दीगर मसलबात। लोग तो ऐसे भी थे जनाब कि हम लगाने ऐसे मसले जब पैदा होते हैं ना तो पता नहीं कब जमाने के लोग बुग्ज़ और हसद निकालने की भी कोशिश करते हैं कि बहती गंगा है हाथ धुल लो, बहराज रब्बानी फंसा है अगर डूब रहा है किनारे तो 2 लाख मार के आगे आगे गिरा के डूबा दो, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि मौके से फायदा उठाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये उसात ज़र्फ़ी का मुजाहरा किया, तो अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर अता फरमाए और उन्हें हर हसद हासिदों के हसद से और शर पसंदों के शर से अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे, मेरी ये दुआ है और मैं उनका ममनून हूं। देखे जैसे नोट का मामला आया, डॉक्टर साहब मुकबलिक है, अल्लाह और उनसे दिन की खिदमत ले, और पहले बोला था डॉक्टर की फील्ड है अपना काम कर, इंजेक्शन दे, कहां आ गया तू, और आखिरी में दुआ किया कि अल्लाह उनको शर से बचाए, और पहले कहा गया हमारे शर से बचाए, मतलब अपनी शर से पना मंगवा रहा है। और अभी जाकिर नाइक की तारीफ करके इसे बता रहा है अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, कुफ्र एक जमात है। अब वो जुमला फिर एक बार सुन ले आप, और मजा आ जाएगा इंशाल्लाह। झूठ इस्लाम के अंदर हराम है, झूठ इस्लाम के अंदर हराम है, और मुनाफिकीन की निशानियों में से ये निशानी बताई गई है कि जब वो बात करे तो वो झूठ बोले, और ये मतलब झूठ की वो है, हराम है झूठ बोलने वाला, हराम गोया की का काम